नजर आ रहा है आप लोगों को? वॉइस और व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? ओके हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गुण संधि और यण संधि। अब ठीक है, यण संधि में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ई के पश्चात अगर कोई अन्य स्वर हो तो वो यह हो जाता है, यानी ई या बड़ी ई के अलावा उसके साथ अगर अन्य स्वर हो तो वो यहाँ बन जाता है, और ऊ बड़ा ऊ जमा अन्य स्वर क्या बन जाता है? वा बन जाता है, और ऋषि जमा अन्य स्वर क्या बन जाता है? राहलंत के साथ। ठीक है, रा आएगा हलंद के साथ। हमने कल ये वाला पढ़ लिया था सेशन, ये दोनों पढ़ लिए थे, ई और छोटा ई बड़ा ई या और वा वाला सेशन, ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम ये वाला करेंगे। ठीक है, इसका बताए मुझे, मात्र जमा आनंद क्या बन जाएगा ये? मात्र मात्र जमा आनंद क्या बन जाएगा? मात्र आनंद। वेरी गुड, मात्र आनंद। ठीक है, पितृ जमा आदेश, पितृ जमा आदेश क्या बन जाएगा? पितरादेश। वेरी गुड, पितृ जमा अनुमति, पितृ जमा अनुमति क्या बन जाएगा? करेक्ट, पितृनुमति। मात्र मात्र जमा आज्ञा बताएं क्या हो जाएगा? मात्र आज्ञा। वेरी गुड, पितृ जमा आज्ञा पितृ आज्ञा बन जाएगा। पितृ जमा उपदेश, पितृ जमा उपदेश क्या बनेगा? पितृपदेश। वेरी गुड, कौन क्लास से एग्जिट हो गया? मरियम चुकी। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोग को? ठीक है,
यहां पे आपका यण संधि कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैंने हर यण संधि के आपके सब टॉपिक भी बता दिए। अब हमारा फोर्थ करेंगे हम क्या, वृद्धि संधि। देखो नाम से ही पता चल रहा है, वृद्धि यानी किसी चीज में वृद्धि होना। ठीक है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का क्या मतलब है? जब आ और बड़ा आ के साथ जमा ए और बड़ा ए आए तो ये ए ही बन जाता है। ठीक है, बड़ा ए, आप समझ रहे हैं? छोटे ए की मात्रा तो ये वाली होती है सिर्फ एक, और बड़े ए की मात्रा क्या होती है? डबल मात्रा। ठीक है, और जब आ जमा आ के साथ ओ और बड़ा ओ आए तो भी ये बड़ा ओ बन जाता है। ठीक है, वृद्धि संधि का मतलब ये है। छोटा बड़ा के साथ छोटा ए और बड़ा ए आए तो भी बड़ा ए बनेगा, और छोटा बड़ा के साथ छोटा ओ बड़ा ओ आए तो भी बड़ा ओ बनेगा। ठीक है, ये आपका होता है वृद्धि संधि। जब आ, जब आ, आ और जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटा ए और बड़ा ए मिलता है तो उसके साथ क्या बन जाता है? वो ए बन जाता है, बड़ा ए। और जब छोटा आ और बड़ा आ मिलता है तो छोटा ओ बड़े ओ के साथ तो वो बड़ा ओ बन जाता है। करेक्ट, ये वृद्धि संधि है, ये इसकी डेफिनेशन है। क्लियर है आपको? क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नव जमा ऐश्वर्या क्या बनेगा? नव जमा ऐश्वर्या, ऐश्वर्य नवेश्वर्य। देखिए क्या हो जाएगा, वा के ऊपर डबल मतलब दो मात्राएं आएंगी, बड़े ए की मात्रा। ठीक है, क्योंकि छोटा ए आ जाए चाहे बड़ा ए आ जाए तब भी ए ही होगा। ठीक है, अब जैसे ये है मत जमा एक के, मत जमा एक के क्या हो जाएगा? मत एक के, समझ आ रहा है आपको? ये मैं बहुत इजी करके समझा रही हूं, समझ आ रहा है? बताएं एक बार कमेंट में। गुड, अब जैसे ये है सदा जमा एव, क्या बनेगा ये? सदैव। ठीक है, वेरी गुड। महाजमा, महाजमा ऐश्वर्य क्या बन जाएगा? महेश्वर्य। गुड, एक जमा एक, एक जमा एक क्या बनेगा? बताएं, ये बनेगा आपका एक एक, एक एक। वेरी गुड, लोक
लोक जमा एषण क्या बनेगा? लोक जमा एषण, लोकेशना। वेरी गुड। लोकेशन ठीक है। यथा जमा एव, यथा जमा एव क्या बन जाएगा? यथेव। वेरी गुड। विद्या जमा ऐश्वर्य क्या बनेगा? वेरी गुड। विद्येश्वर। ठीक है। वृद्धि संधि का आपका यहाँ पे एक टॉपिक समाप्त हो जाता है। समझ आया आपको? बड़ी ए वाला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। आ आ जमा ओ और बड़ा ओ मिलकर क्या बनता है? बड़ा ओ। ठीक है बताएं। वन जमा औषध वन जमा औषध क्या बनेगा? वनौषध। वनौषध ठीक है। परम जमा ओज, परम जमा ओज। वेरी गुड। परमोज। ठीक है। महा जमा ओज क्या बनेगा? महोज। महा जमा औदार्य, औदार्य क्या बनेगा? महोदार है। वेरी गुड। महाजमा औत्सुक्य क्या बनेगा? महाजमा औत्सुक्य। महोत्सुक के। वेरी गुड। परम जमा औषधि, परम जमा औषधि क्या बनेगा? अब आ रही है वॉइस। महाजमा औषध। क्या बनेगा?
वेरी गुड, महोषध। महोषध, ठीक है। यहाँ पे आपकी वृद्धि संधि कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट? ओके। नेक्स्ट जो बचता है हमारा अब अयाधि संधि। इसका सिंपल है, जब ए के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो वो ए हो जाता है, ठीक है। जब बड़े ए के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो वो आय हो जाता है, ठीक है। और जब ओ के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो वो अव हो जाता है। और जब बड़े ओ के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो वो आव हो जाता है। ये है आपकी अयादि संधि। जब छोटे ए के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो वो अय हो जाता है, जब बड़े ए के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो वो आय हो जाता है, जब छोटे ओ के साथ अन्य स्वर मिलता है तो वो आव हो जाता है, और जब बड़े ओ के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो वो आव हो जाता है। ये है आपकी अयादि संधि। समझ आया? अभी मैं इसका सब पॉइंट पढ़ेंगे। ए जमा अन्य स्वर आए। ये क्लास हिंदी की है। हिंदी आपकी ये क्लास DSSSB में भी काम आ जाएगी, आपके CTET में भी काम आ जाएगी, आपके MU में भी काम आ जाएगी अगर उसके अंदर हिंदी आता है, JMI में भी काम आ जाएगी अगर उसके अंदर हिंदी आता है, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण चल रही है, ठीक है। हिंदी का आप अगर CTET दे रहे हैं, CTET एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अगर आप DSSSB का दे रहे हैं उसके अंदर भी आपके लिए ये जरूरी है, क्योंकि हिंदी व्याकरण है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं अगर उनके अंदर हिंदी सब्जेक्ट आता है तो उसके अंदर ये जरूरी है व्याकरण, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ओके। ए जमा अन्य स्वर क्या हो जाता है हमारा? ए। तो ये बताएं पहले, ना ने जमा अन क्या बनेगा? ने जमा अन, नयन, ठीक है। ए और कोई अन्य स्वर आती है आपका क्या बन गया? आय बन गया, तो क्या बन गया ये? नयन। शे जमा अन क्या बना? शे जमा अन,
चयन, वेरी गुड। चे जमा अन क्या बना? चे जमान क्या बना? चयन, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ गया। ए जमान ने स्वर ए हो जाता है। ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पे, सब टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ए जमा अन्य स्वर बड़ा, ए जमा अन्य स्वर क्या हो जाता है? आए। ठीक है, बताएं। गे जमा अक, गे जमा अक क्या बनेगा? गायक, गेयक नहीं, गायक। कैसे? देखो, ये गा जमा बड़ा ए है, ठीक है, और ये क्या है? अक। अब बोला था अन्य स्वर, ये आ गया आपका अन्य स्वर। ठीक है, आपका अन्य स्वर है, तो उस इन दोनों को मिलाने के बाद आपका क्या आ रहा है? आय बन रहा है। तो गा तो आपका ऐसे ही रखा रहा, और ये वाला आ गया तो गा हो गया, फिर ये ही है, और ये वाला का मिलके बन गया आपका गायक। समझ आया? अब क्लियर है? गे जमा अन, गे जमा अन क्या बनेगा? गे जमा अन गायन, वेरी गुड। ने जमा अक, ने जमा अक क्या बनेगा? ने जमा अक नायक, वेरी गुड। के जमा इक, के जमा इक ये कायक बनेगा, ये बनेगा कायिक। अब कैसे बनेगा ये देखिए। का जमा ए, ठीक है, जमा क्या आया? ई। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी ई की मात्रा भी तो आएगी। अब इसके साथ तो कोई मात्रा थी नहीं आपकी। अगर मान लीजिए यहां पर हो जाता, इस तरीके से हो जाता, ये ने जमा ओ ओक, वैसे तो ये कोई वर्ड होता नहीं है, जस्ट ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं। ठीक है, अगर यहां पर ओ आ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो आपका क्या हो जाता? ना योक, नायुक हो जाता आपका, नायुक। ठीक है, मात्रा का भी ध्यान रखना आपको। का जमा ए आया प्लस जमा ई, ठीक है, तो क्या बना आपका? का तो आपका का बन गया, आय हो जाता ना ये, और ई क्या हो गया? ये के ऊपर आपकी ई की मात्रा आ जाएगी, इसलिए ये आपका कायक बना। ठीक है, समझ आया? जैसे आगे भी आपको थोड़ा और समझ आएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे इसका सेकंड सब पॉइंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओ जमा अन्य स्वर क्या बन जाता है हमारा? अव। ठीक है,
बताएं, पो जमा अन क्या बनेगा? पो जमा अन क्या बनेगा? पवन। वेरी गुड। भो जमा अन क्या बनेगा आपका? भो जमा अन बताएं। भो जमा अन भवन। वेरी गुड। गो जमा इश। गो जमा इश। गो जमा इश क्या बनेगा? गोइश। नहीं, मैंने आपको क्या समझाया अभी पे ही? ये बनेगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ जमा अन्य स्वर, ठीक है, क्या बन जाता आपका? अव। तो गो से तो बन गया आपका गा, अन्य स्वर बन जाता ओ जमा ई, तो क्या बना? वाह। बड़ी की मात्रा है तो क्या बन जाएगा? बड़ी की मात्रा लग जाएगी शा, गवीश। ठीक है, ये बड़ी की मात्रा है तो वा के ऊपर बड़ी की मात्रा लग गई आपकी, और क्या ही है आपका? शा, गवीश। समझ आया? समझ आया आपको? ठीक है, मैंने कहा था मात्रा का ध्यान रखिएगा, ये बना आपका गवीश। गा तो गा आ गया, ठीक है। ओ जमा, इसका जो ओ है जमा ये अन्य स्वर ई, मिलकर आपका बन गया अव। लेकिन जो इस ई का जो बड़ी की मात्रा है वो भी तो कहीं आएगी, तो वा के ऊपर बड़ी की मात्रा आ गई। ठीक है, समझ आ गया? अब ये ऐसी बताइए, ओ जमा इत्र बताएं। ओ जमा इत्र पवित्र। देखे, समझ गए ना आप? ये छोटा ही है इसलिए वा के ऊपर छोटी की मात्रा आ गई। क्लियर हो गया? यहां पर आपका तीसरा सब पॉइंट खत्म हो जाता है। अब करेंगे हम बड़ा ओ जमा अन्य स्वर, क्या बन जाता है आपका? आव। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। बड़ा ओ जमा अन्य स्वर आपका क्या बन जाता है? आव बन जाता है। ठीक है, अब बताएं जरा, पो जमा अन क्या बनेगा? पो जमा अन पावन। वेरी गुड। ठीक है, पो जमा अक क्या बनेगा आपका? पो जमा अक सेम पावक। वेरी गुड। नो जमा इक। नो जमा इक अब बताइए क्या बन जाएगा? नो जमा इक ये बनेगा आपका नाविक। समझाया था ना अभी पीछे, छोटी की मात्रा आएगी, बड़ा ई आएगा तो बड़ी की मात्रा, ओ आ जाएगा तो ओ की मात्रा। ठीक है, समझ आ गया इतना? भो जमा उक क्या बनेगा आपका? भो जमा उक
बताएं, देखिए मात्रा होती है ना इनके साथ, भावुक। अब आप अच्छे से समझ गई होंगी कि क्या कहना चाह रही थी मैं, ठीक है? क्योंकि छोटे आ के साथ कोई मात्रा नहीं आती, ठीक है? कोई भी, वो इंडिविजुअल है, ठीक है? बड़े के साथ उसकी बड़े आ की मात्रा आती है, छोटी के छोटी की, बड़ी की, इसलिए मात्रा नहीं भूलनी है, ठीक है? भो जमा अन क्या बनेगा? क्या बनेगा आपका ये? भावन। यहां आपका स्वर संधि मतलब दीर्घ संधि आपकी कंप्लीट हो जाती है। स्वर संधि, स्वर संधि के जो पांच रूप थे आपके, पांच भेद, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। संधि के कितने भेद थे टोटल? तीन भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि के भी भेद पढ़े, कौन कौन से भेद थे उनके? पांच भेद थे स्वर संधि के भी, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। आज आपकी कंप्लीट हो गई, कल क्लास में हम व्यंजन संधि को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के भी कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है? उसके बाद आपका छोटा सा रह जाता है विसर्ग संधि, मतलब वो भी एक क्लास में ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर आपका बस व्यंजन संधि रहता है और विसर्ग संधि, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको समास पढ़ा दे जल्द से जल्द, ठीक है? तो मिलते हैं फिर कल क्लास में, ठीक है? सेम टाइम पर। कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू किसी भी चीज के? आपको कोई सवाल पूछना है सिलेबस से रिलेटेड, क्वेश्चन कोई भी? ओके ठीक है, देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके? अल्लाह हाफिज।